और देखिए चुनावी माहौल है और इस माहौल में बीजेपी अपनी पांचवी लिस्ट जारी करने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार इस पर मंथन हो रहा था, लेकिन जानकारी है कि उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट आ सकती है। उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट पर चर्चा के लिए शनिवार देर रात तक बीजेपी दिग्गजों की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे। उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट पर चर्चा के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने चार घंटे से ज्यादा मंथन किया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 7:30 बजे शुरू हुई, रात करीब 11:45 तक चली बैठक। बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा के संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से संबित पात्रा, भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को उम्मीदवार बनाने पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गाजियाबाद से अतुल गर्ग, मेरठ से अरुण गोविल, सहारनपुर से राघव लखनपाल और मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह को उम्मीदवार बनाने पर सहमति बनी है। बीजेपी के बाद आइए अब कांग्रेस की बात करते हैं। उसने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है, इसमें 45 नाम है और सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम पर हो रही है वो आपको बताते हैं। वो नाम है अजय राय का। वो वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह राजगढ़ से उम्मीदवार बनाए गए। उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने असम से एक, अंडमान से एक, चंडीगढ़ से एक, जम्मू कश्मीर से दो, मध्य प्रदेश से 12, महाराष्ट्र से 4, मणिपुर से 2, मिजोरम से 1, राजस्थान से 3, तमिलनाडु से 7, उत्तर प्रदेश से 9, उत्तराखंड से 2 और पश्चिम बंगाल से 1 उम्मीदवार की घोषणा की है। चौथी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वाराणसी से पीएम मोदी के सामने अजय राय, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, अमरोहा से दानिश अली, सहारनपुर से इमरान मसूद, झांसी से प्रदीप जैन और नागपुर से नितिन गडकरी के सामने विकास ठाकरे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। कुएं लाल सिंह को जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करेंगे। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जगह जगह पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई देंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी के पार्टी के नेता पुतला फूंकने वाले हैं। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन आगे और बढ़ेगा। आज पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर उतरकर विरोध जताएंगे। होलिका दहन के समय पीएम मोदी का पुतला फूकेंगे, उसके बाद कैंडल मार्च निकाला जाएगा। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी को लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अगले कुछ दिनों का आंदोलन प्लान तैयार किया है। 25 मार्च को आपके नेता होली नहीं मनाएंगे और लोगों से मिलकर उन्हें बीजेपी के खिलाफ समझाएंगे। 26 मार्च को आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है। इस डेमोक्रेसी जिसके ऊपर नाज करते थे, उसमें आज इस तरीके की सरकार है जो सारे विपक्ष को खत्म करना चाहती है, ओपन है। आम आदमी पार्टी के विरोध में बीजेपी भी आज सड़क पर उतरने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी आज दिल्ली में जगह जगह भ्रष्टाचार की होलिका का दहन करेगी। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और उसकी दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है लगातार। और देखिए महाराष्ट्र में एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि प्रकाश आंबेडकर ने अल्टीमेटम दे दिया है पार्टी को। सीट शेयरिंग में देरी से नाराज वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर ने एमवीए नेताओं को 26 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है।
महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। महाविकास अघाड़ी में शामिल वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर ने अघाड़ी के नेताओं को 26 मार्च तक सीट शेयरिंग फाइनल करने का अल्टीमेटम दिया है। 26 तारीख तक हम लोग रुकेंगे, जो हमारा निर्णय होगा वो निर्णय हम लोग जो है वो और आप लोगों के माध्यम से लोगों के सामने जाहिर करेंगे। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि उन्हें महाविकास अघाड़ी की ओर से कभी भी 4 सीटों का ऑफर नहीं आया। 3 सीटों की चर्चा हुई थी लेकिन ये सीटें भी कन्फर्म नहीं हुई। सीट बंटवारे पर हो रही तनातनी के बीच प्रकाश अम्बेडकर ने कहा है कि अगर जल्द ही फैसला नहीं होता तो वो आगे अपना रुख साफ करेंगे। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर चल रही तनातनी के बीच में एनडीए में सीट शेयरिंग पर फाइनल राउंड की चर्चा हो रही है। चर्चा के लिए सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार दिल्ली में हैं। दिल्ली में आज दोनों ही नेता बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मिलकर सीट शेयरिंग पर फाइनल चर्चा करेंगे। अब खबर पंजाब के संगरूर से है, दुखद है। वहां पर जहरीली शराब से 23 लोगों की जान चली गई है और उसके बाद पुलिस ने 10 में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज सीएम भगवंत मान भी संगरूर जाएंगे। शराब के जहरीले घूंट ने संगरूर में एक नहीं कई परिवारों को उजाड़ दिया। जहरीली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 23 लोगों का इलाज जारी है। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान हालात का जायजा लेने संगरूर पहुंचेंगे। इस पूरे मामले में मान सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। वहीं घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 4 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर गुरिंदर सिंह ढिल्लो को एसआईटी का चीफ बनाया गया है। पटियाला रेंज के उप महानिरीक्षक हरचरण भुल्लर, संगरूर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरताज चहल और अतिरिक्त आयुक्त आबकारी रेश दुबे एसआईटी में शामिल हैं। पुलिस ने अब तक 10 में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी खबर के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर महुआ मोहित्रा से जुड़ी है, कैश पर क्वेरी कांड से जुड़ी है। इस मामले में सीबीआई का शिकंजा महुआ मोहित्रा पर कसता जा रहा है। शनिवार को उनके ठिकानों पर सीबीआई ने रेड्स किए हैं। कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी नेता महुआ मोहित्रा पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। शनिवार को सीबीआई की टीम ने महुआ मोहित्रा के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। कोलकाता में सीबीआई की टीम ने महुआ के पिता के दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके वाले फ्लैट पर पहुँच कर सर्चिंग की। लोकपाल ने 19 मार्च को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। लोकपाल ने 6 महीने में केस रिपोर्ट फाइल करने को कहा था, साथ ही हर महीने स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया था। लोकपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने 21 मार्च को महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ऑलरेडी एथिक्स कमेटी हैज सजेस्टेड फॉर द सीबीआई रेड एंड दैट्स व्हाई सीबीआई इज रेड, दैट इज देयर ड्यूटी। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोहित्रा की सांसदी जा चुकी है। टीएमसी ने फिर से कृष्णानगर सीट से महुआ मोहित्रा को उम्मीदवार बनाया है। वो पूरा विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, भाजपा का। महुआ मित्रा हमारा कैंडिडेट है कृष्णानगर से, वो लड़ेगी, वो जीतेगी। देखिए, देश पर होली का रंग चढ़ा हुआ है और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन जाएंगे, जहां पर वो जवानों के साथ होली मनाएंगे। देश होली की मस्ती के रंग में रंगा हुआ है। होली से एक दिन पहले ही होली की मस्ती शुरू हो गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ होली मनाएंगे। रक्षा मंत्री होली मनाने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन सियाचिन जाएंगे। एक्स पर अपनी पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि 24 मार्च को वो सियाचिन में जवानों के साथ होली का त्योहार मनाएंगे। काराकोरम रेंज में लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन के तौर पर जाना जाता है। रक्षा मंत्री यहां पहुंचकर जवानों के साथ होली खेलेंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेलेंगी। और चलिए, ईडी की कस्टडी में केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट यह है कि एक आदेश उन्होंने जारी किया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है
कि केजरीवाल को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर यह है कि कस्टडी में केजरीवाल का पहला ऑर्डर सामने आया है। ये ऑर्डर क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। जल मंत्रालय को लेकर ऑर्डर जारी किया है। दीपक रावत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, ये क्या ऑर्डर है? अरविंद केजरीवाल ने ये पहला एक ऑर्डर है जो कि लिखित ऑर्डर जो है वो उन्होंने जल मंत्री जो है आज तक पहुंचे और ऑर्डर के बारे में जानकारी वो सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जल मंत्रालय को लेकर ऑर्डर जारी किया है। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आतिशी करेंगी जिसमें वो इस बात की जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हुए बात बीजेपी की लिस्ट की कर लेते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट आने वाली है और कल देर रात तक चुनाव समिति की बैठक भी चली और बताया ये भी जा रहा है कि 150 उम्मीदवारों की लिस्ट, 5वीं लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। हालांकि संभावना पूरी है कि इस लिस्ट में आज जो नाम होंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का घमासान जारी, सभी सियासी दल इस दौर के लिए अपने बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटे हुए हैं। इस बार खुद को 370 प्लस और एनडीए 400 पार का टारगेट सेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी में भी मंथन का दौर जारी है। उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट पर चर्चा के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिल्ली में तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा मंथन किया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 7:30 बजे शुरू हुई और बैठक रात करीब 12:15 बजे तक चली। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है। बताया ये जा रहा है कि इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश समेत अन्य कई राज्यों के लगभग 150 उम्मीदवारों के नामों पर आज मुहर लगाई जा सकती है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश की बाकी बची 24 सीटों पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री का टिकट कट सकता है। वहीं मेरठ से मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कट सकता है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जिन बाकी 10 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं वो है गाजियाबाद से अतुल गर्ग, मेरठ से अरुण गोविल को टिकट मिल सकता है, वहीं सहारनपुर से राघव लखन पाल और मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो मेरठ से अरुण गोविल चौंकाने वाला चेहरा हो सकते हैं, जो मशहूर सीरियल रामायण में राम के किरदार में दिखे थे। मेरठ के ही रहने वाले हैं अरुण गोविल और मेरठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। रामायण सीरियल और कई फिल्मों में काम किया है। फिलहाल राम मंदिर की लहर है, लिहाजा मेरठ में अरुण गोविल के उम्मीदवार बनने से आसपास की सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन 28 मार्च है और जिन 8 सीटों में चुनाव होने जा रहे हैं वो है सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। पहले फेज में पीलीभीत सीट काफी चर्चा में है, जहां से मौजूदा सांसद हैं वरुण गांधी, जिनको लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आज जारी होने वाली सूची में इस सीट से भी पर्दा उठ जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट वाराणसी से भी मुकाबला तय हो गया है। वाराणसी से पीएम मोदी के सामने होंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कांग्रेस ने अपनी 4थी लिस्ट जारी की है जिसमें वाराणसी से अजय राय को फिर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। अजय राय ने 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकी थी, लेकिन दोनों ही बार उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच तालमेल नहीं हो पाया है,
लिहाजा बीजेपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने वहां के उम्मीदवार भी तय कर दिए। संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टिकट दिया जा सकता है, तो पुरी से पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को टिकट दिया जा सकता है। वहीं भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को पार्टी उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ओडिशा के बारे में चर्चा हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन, स्ट्रेटेजी, अदर सिचुएशन सब चर्चा हुआ। फाइनली निर्णय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगा। महाराष्ट्र की नागपुर सीट से नितिन गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के विकास ठाकरे से होगा। नितिन गडकरी ने खुद की जीत पर भरोसा जाहिर किया है। मुझे पूरे विश्वास से लग रहा है कि निश्चित रूप से मैं इस चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। मैंने टनल्स बनाए, एक्सप्रेस हाईवे बनाई, बड़े बड़े ब्रिज बनाए, गंगा पर 11 ब्रिज बनाए। तो जो मैंने कुछ काम किया है उसका श्रेय मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिनमें 292 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। पहली सूची में 195 नाम घोषित किए गए थे, फिर 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई थी। इसके बाद तीसरी लिस्ट में 9 और चौथी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। होली के बाद पहले चरण के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन का काम जोर पकड़ सकता है। ये तो थी बीजेपी की बात, आइए अब महागठबंधन की बात करते हैं। बिहार में महागठबंधन में टूट के संकेत दिखने लगे हैं। बिना सीट शेयरिंग के आरजेडी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आरजेडी के इस रवैये से कांग्रेस में नाराजगी दिख रही है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पप्पू यादव को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद बढ़ गए हैं। आरजेडी किसी भी सूरत में पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बिहार में फिर खेला होने वाला है, ये सवाल पटना से लेकर दिल्ली तक हो रहा है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस इंडिया गठबंधन की नींव पटना में ही पड़ी थी, उसको पहला झटका नीतीश कुमार ने ही दिया था, और अब खबर आ रही है कि आरजेडी भी इंडिया गठबंधन को झटका दे सकती है। बिहार से सियासी हलके से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत पटरी से उतर सकती है, यानी कांग्रेस की मांग पर आरजेडी आनाकानी कर रही है। कुछ खास सीटों को लेकर भी मतभेद इतना बढ़ गया है कि महागठबंधन टूटने के कगार पर है और कांग्रेस आरजेडी की राह जुदा हो सकती है। दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ सकती है। ताजा विवाद पप्पू यादव को लेकर हुआ है। सूत्रों से एबीपी न्यूज को जानकारी लगी है, उसके मुताबिक आरजेडी कांग्रेस पर दबाव बना रही है कि वो पप्पू यादव के लिए मधेपुरा को चुने, ना कि पूर्णिया को, क्योंकि पूर्णिया सीट आरजेडी अपने पास रखना चाहती है। वहीं पप्पू यादव के कांग्रेस में अचानक शामिल होने से लालू यादव और तेजस्वी यादव काफी नाराज हैं। सूत्र बता रहे हैं कि लालू और तेजस्वी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पप्पू यादव उन दोनों से मुलाकात के अगले ही दिन कांग्रेस में जाकर विलय कर लेंगे। इस बात की तस्दीक पप्पू यादव का सोशल मीडिया एक्स पर किया गया पोस्ट करता है। मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, यानी साफ है कि पप्पू यादव पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में क्या वो मधेपुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो क्या कांग्रेस गठबंधन बचाने के लिए पप्पू यादव को समझौता करने को कहेगी, या पप्पू यादव कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? खबरें ये भी है कि आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नाराज है। इन सभी का जल्द ही जवाब मिलने की संभावना है, क्योंकि आज कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की नाराजगी आरजेडी का वो ऑफर है जिसके तहत वो कांग्रेस को 5 से 6 सीट देना चाहती है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि कांग्रेस नेतृत्व आरजेडी के ऑफर से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आरजेडी के एकतरफा उम्मीदवारों की घोषणा से भी कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस इस बात से भी बहुत नाराज है कि आरजेडी ये निर्देश देने की कोशिश कर रही है कि कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को मैदान में नहीं उतारा जाना चाहिए। ये बात सच है कि बिना सीट शेयरिंग के ही आरजेडी ने 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और कुछ सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। इनमें शामिल है औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास, गया से कुमार सर्वजीत, मुंगेर से अनीता महतो को उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है।
अनिता महतो कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी है, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। अब देख लेते हैं उन सीटों को जहां से आरजेडी चुनाव लड़ने और उम्मीदवारों का फैसला तकरीबन कर चुकी है। महाराजगंज से रणधीर सिंह या टुन्नाजी पांडे, बक्सर से सुधाकर सिंह, सारण से रोहिणी आचार्य, पाटलिपुत्र से मीसा भारती या रीतलाल यादव, वैशाली से मुन्ना शुक्ला, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, बांका से जेपी यादव, हाजीपुर से शिवचंद्र राम, झंझारपुर से देवेंद्र प्रसाद यादव, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, दरभंगा से ललित यादव, मधेपुरा से शांतनु यादव, कटिहार से अशफाक करीम, मोतिहारी से राजेश कुमार और काराकाट से कांति सिंह की बहू को टिकट मिल सकता है। बिहार में आरजेडी ने बिना सीट शेयरिंग के फैसले के ही अपने उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट क्या किया। सहयोगी सीपीआई ने भी वही रास्ता अख्तियार कर लिया, जिससे कांग्रेस की परेशानी और बढ़ गई है। सीपीआई ने बेगूसराय से पूर्व विधायक अवधेश राय को टिकट अलॉट कर दिया है, जिससे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को झटका लगा है। 2019 में कन्हैया सीपीआई के ही टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार गए थे। इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर फिर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में दल बदल जारी है। जेडीयू विधायक बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो गई हैं। बीमा भारती ने विधानसभा में नीतीश कुमार के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की थी। उन्होंने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, यानी उन्हीं के चलते पूर्णिया से पप्पू यादव के टिकट पर ग्रहण लग गया है। हमारे जो नेता है, हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रावड़ी देवी जी हैं और हमारे भाई जो नेता विरोधी दल तेजस्वी जी हैं, और सभी के शरण में हम आ गए हैं। अब लगता है कि नहीं, अपने घर में हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल है। और हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। जेडीयू के दो पूर्व विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, यानी कई और नेताओं को भी लोकसभा चुनाव में मौका मिल सकता है। इससे गठबंधन सहयोगियों के लिए सीटें कम होने के आसार बढ़ते जा रहे हैं।